गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं पूर्णिमा स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज फ्रेंड्स, अभी मैंने लंच नहीं बनाया है, तो अभी मैं लंच बनाने ही जा रही हूँ। और आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ चने की दाल, जो हिमाचल की बहुत ही फेमस डिश है और शादियों में बनती ही है, मैक्सिमम टाइम बनती ही है चने की दाल। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हिमाचली धाम में किस तरह से वो जो पंडित हो हमारे जो धाम में बनाते हैं उनको हम पंडित बोलते हैं, किस तरह से बनाते हैं। चलिए चलते हैं किचन में और आपके साथ शेयर करूं मैं हिमाचली धाम की सबसे स्पेशल रेसिपी चने की दाल। और ये भी कर रहा है पढ़ाई, तो चलिए चलते हैं किचन। तो फ्रेंड्स, ये चने की दाल जो मैंने आधा घंटा भिगो के रखी थी, इसको मैं कुकर में ऐड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है किशमिश, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा प्याज और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, इसको मैं कुकर में ऐड कर लूँगी। और साथ में यहाँ पे मैंने ऐड किया एक दो छोटे साइज़ के टमाटर। फिर मैं इसमें ये ऐड करूँगी, यहाँ पर लिए मैंने खड़े मसाले, धनिया, हींग, मेथी और जीरा, साबुत जीरा, इनको भी मैं इसके साथ ऐड कर लूँगी। अगर आपको साबुत धनिया वगैरह पसंद नहीं हो तो आप अवॉइड कर सकते हो। साथ में थोड़ी सी ऐड करूँगी यहाँ पे सौंफ। फिर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा नमक। नमक ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड, ये देखो इस तरह से, फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे पानी। ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, इतना डालें कि दाल जो हमारी आसानी से अच्छे से गल जाए, पक जाए। फिर इसमें मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और एक चम्मच देसी घी की। इससे हमारी दाल बाहर भी नहीं आएगी और अच्छे से पक भी जाएगी और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने की है हल्दी ऐड। अब इसको मैं ढक्कन लगा के 4 से 5 सीटी लगा लूँगी, आसानी से पक जाएगी। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी गरम मसाला। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए साबुत जीरा, साबुत धनिया, थोड़े से गरम मसाले, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, इसको भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने लिए जावित्री फूल और 2 छोटे साइज़ के तेज़पत्ते, इसको भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और यहाँ पे लिए मैंने ये दालचीनी का 1 बड़ा पीस। इसको मैं गरम करके इस तरह से इसका बारीक पेस्ट मसाला बना लूँगी मिक्सी में पीस के। और यहाँ पे मैंने लिया मसाला, मेरा ज़्यादा हो गया था ना तो मैंने थोड़ा कम कर दिया। तो इसमें मैं ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक मैंने पहले भी डाला हुआ दाल में। और यहाँ पे ऐड करूँगी मैं चना मसाला। अब इन सबको मैं पानी डाल के अच्छे से इसका जो है वो घोल तैयार कर लूँगी। ये बाद में हमारे दाल बनाते टाइम जो है काम आएगा। इसको अच्छे से घोल बना के इसको रख दूँगी। और यहाँ पे लिया है मैंने पैन, इसमें मैं ऐड करूँगी मस्टर्ड ऑयल। ये जो मिर्ची के डंठल होते हैं ना, इसको आप निकाल के डाला करें। बहुत से सारे लोग मैंने देखे कि ऐसे ही डाल देते हैं, कई बार ना ये गले में फंस भी जाते हैं, जिसके कारण हमें गले का कैंसर वगैरह होने के भी चांसेस होते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने ऐड किया है जीरा, साबुत जीरा, और मेरे पास कड़ी पत्ता था तो मैंने कड़ी पत्ता भी ऐड किया। आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपको नहीं पसंद है। फिर यहाँ पे मैंने ऐड किया वो घोल जो मैंने रेडी करके रखा हुआ था मसाले का। फिर इसमें मैं पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया था। और इसको अच्छे से पकने दूंगी जब तक कि अपना कलर ना छोड़ दे। ये देखो चने की दाल हमारी बहुत अच्छे से पकी हुई है, बहुत अच्छे से गली हुई है। अब इसको मैं इसमें कर लूँगी ऐड। बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो। फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो रखी थी, इतनी गाढ़ी दाल हमें नहीं चाहिए। और इसको मैं पानी ऐड करके थोड़ी देर के लिए अच्छे से और पकने दूँगी। और यहाँ पर मैंने लिया घिसा हुआ नारियल, आप चाहे तो साबुत पीस करके भी नारियल के काट के डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने कद्दूकस कर लिया था और इसको मैं अच्छे से डाल के अच्छे से मिला लूँगी। इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल धाम जैसा टेस्ट, आप ज़रूर ट्राई करना। फिर उसके बाद यहाँ पे जब ये पक जाए तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरा धनिया, कस्तूरी मेथी मेरे पास नहीं थी, आपके पास अगर हो तो आप यहाँ पे कस्तूरी मेथी भी ऐड करें। बहुत अच्छी इस तरह से हमारी दाल बनती है। ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो और हमारी चने की दाल जो थी वो बहुत ही यम्मी बनी हुई थी। और आज मेरे क्वार्टर से ना वही जैसे शादियों में वो स्मेल आती है ना मसाले की, ये वो क्वार्टर के पूरे अंदर से मेरी वैसे ही स्मेल आ रही है, स्मेल के वैसी खुशबू आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है। तो दाल हमारी सच में बहुत यम्मी बनी थी, आप इस तरह से ट्राई करिए। फ्रेंड्स, कई जगह जो लोग शादियों में पहले, अब तो मैक्सिमम लोग प्याज का यूज़ करते हैं, बट पहले जो था वो सिर्फ लहसुन और ये सब डाल के प्याज मतलब नहीं डालते थे, से बिना इसके जो थे वो शादियों का जो खाना तैयार करते थे। लेकिन आज के लोग, जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी की बात है, वहाँ पे लोग प्याज भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं, हर चीज़ का यूज़ करते हैं। और जैसे नवरात्रि वगैरह चले और कुछ हो तब लोग जो वो प्याज वगैरह अवॉइड करते हैं, तब नहीं डालते हैं। वैसे शादियों में आजकल प्याज डिस्ट्रिक्ट मंडी में तो डालते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने देखा है बनाते हुए। तो
कई जगह लोग टमाटर का यूज़ नहीं करते हैं, बट मैंने टमाटर डाले थे, आप टमाटर भी डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही यमी आपकी, बहुत ही टेस्टी आपकी दाल बनेगी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा छोटा सा व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।